क्या राजस्थान में नाराज वोटरों को मनाने में कामयाब होगी बीजेपी? आखिर राजस्थान फतेह के लिए बीजेपी ने कौन सा प्लान बनाया है? इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सूबे के जातिगत समीकरण और वसुंधरा सरकार ने लोगों की नाराजगी से बीजेपी के उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी चीफ अमित शाह खुद चुनावी मंथन में जुट गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गए हैं। टिकट बंटवारे से पहले उन्होंने पूरे प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट जुटाने के लिए 6 नेताओं के नेतृत्व में एक अलग अलग टीमें बनाई हैं, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल सरीखे नेता करेंगे। इस टीम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं को जगह दी गई है। साथ ही पूरे प्रदेश को कवर करने के लिए राजस्थान को 3 प्रांतों जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में बांटा गया है। साथ ही अलग अलग नेताओं को अलग अलग प्रांतों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। खबरों की माने तो शाह की ये अहम टीम सूबे के जातीय समीकरण, चुनावी मुद्दों, एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति फीडबैक, मंत्रियों विधायकों के रिपोर्ट कार्ड और प्रांत में आरएसएस और बीजेपी के साथ समन्वय को ध्यान में रखकर सूचनाएं एकत्र करेंगी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो अमित शाह की टीम में जिन नेताओं और मंत्रियों को शामिल किया गया है, उन सभी के संघ के साथ मजबूत संबंध है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने राजस्थान दौरे के मद्देनजर संघ के नेताओं से चर्चा के बाद ही ये रणनीति तैयार की है। हाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान में 10 दिन के प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संघ के स्वयं सेवकों के साथ अपना विजन शेयर किया। हालांकि बीजेपी का ये प्लान उसे दोबारा कुर्सी दिलाने में कामयाब होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।